नमस्कार दोस्तों, हर नोट पर क्यों लिखी होती है ये लाइन, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आपने अपने जीवन में 1 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट तक देखा होगा और किसी न किसी वस्तु की खरीदारी के लिए इस नोट का उपयोग भी किया होगा। और हो सकता है कि आपने कभी नोट पर लिखी वो शपथ भी पढ़ी होगी जो इस पर लिखी होती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस नोट पर जो शपथ लिखी होती है वो ये है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आपने भी नोटों पर यह शपथ जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वाक्य के पीछे क्या कहानी है और ये सभी नोटों पर आखिर क्यों लिखा होता है? तो आइए आपको बताते हैं इसकी जानकारी। ये सवाल कई परीक्षाओं और इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, ऐसे में आपको इस बारे में पता होना जरूरी है। दरअसल RBI जितने की करेंसी प्रिंट करती है उसी कीमत का गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखती है। वो धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कथन लिखती है, यदि आपके पास 20 रुपया है तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास आपका 20 रुपये का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी ये लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक हैं, उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है।